कि इस दुकान में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। मुंबई के धारावी में मॉनसून को देखते हुए वहां के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हर साल बारिश के मौसम में एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाने वाला धारावी पानी में डूब जाता है, लेकिन आरोप है कि मॉनसून के नजदीक होने के बावजूद अब तक वहां नालों की सफाई नहीं की गई। नालों में कचरे का अंबार भी लगा दिखाई दिया। मानसून आने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में धारावी के लोगों को एक बार फिर डर सताने लगा है। हालांकि बीएमसी का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में धारावी समेत दूसरे इलाकों के नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। धारावी का हॉटस्पॉट बन गए तो थोड़ा हम रुक रहे हैं कि वो हॉटस्पॉट में हमारे बाकी भी कामगार उधर जाएंगे, उनको प्रादुर्भाव बढ़ सकता है, इसलिए तो थोड़ा रुके हैं। लेकिन मुझे लगता है 2-4 दिन में वो भी काम हम आस्ते आस्ते उसमें चालू करेंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सरकारी केंद्र में गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे किसान की मौत हो गई। बताया गया कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिस वक्त किसान की तबीयत बिगड़ी उनके गेहूं को तौला जा रहा था। और जैसे ही किसान की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, खरीद केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र पर भीषण गर्मी में किसानों को धूप से बचाने के इंतजाम की भी पोल खुलती दिखी। बताया गया कि किसान प्रेम सिंह को 19 मई को झलारा केंद्र पर गेहूं लेकर आने का मैसेज आया और जब 6 दिन के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया तो उन्हें एक दूसरे खरीद केंद्र पर जाने को कह दिया गया। यहाँ जब उनके गेहूं को तौला जा रहा था तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। हादसे की खबर मिलने के बाद से प्रेम सिंह के घर पर मातम का माहौल दिखा। हालांकि प्रेम सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और राज्य के कृषि मंत्री का भी बयान आया। कृषि मंत्री ने किसान की मौत को खरीद केंद्र की लापरवाही से जोड़ने को गलत ठहराया। वो अगर गेहूं बेचने का इंतजार करें या ना करें, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, लेकिन इससे जोड़ना ये कहीं तक भी उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस ने किसान की मौत के बाद दिए मंत्री के बयान को संवेदनहीन बताया और किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। कई मामले हुए इस प्रकार के, आपने उसमें भी देखे कि कोरोना के अंदर भी कई लोग रस्तों पर अपने जान खोई है, तो भाजपा और भाजपा के मंत्री इनके लिए असंवेदनशील हो गए। इनके लिए बड़ी सामान्य बात है कि किसी के लिए कह देना हार्ट अटैक है, लेकिन उस परिवार से पूछो जिसके यहाँ ये घटना घटी है, उस परिवार के पीछे कौन रहेगा? वो किसान तो गया, उसका घर कैसे चलेगा? गुजरात के आणंद में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने मोटरसाइकिल के इंजन से एक छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लिया। बताया गया कि उसने इस लॉकडाउन में दुकान के बंद होने के बाद करीब 50,000 रुपए खर्च करके खाली वक्त में ये बनाया और इसके लिए उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन का इस्तेमाल किया। इस ट्रैक्टर को सामान ढोने और खेतों में सिंचाई के लिए तैयार किया गया। इसमें फोन चार्ज करने की सुविधा भी दी गई। ये ट्रैक्टर मैंने लॉकडाउन के फ्री समय में बनाए, जो 50 की माइलेज देता है और 60 की स्पीड पे चलता है। ट्रैक्टर के पूरी तरह तैयार होने के बाद इस दुकानदार ने कुछ बच्चों को उस पर बैठाकर इलाके में घुमाया। साथ ही उसने ये दावा भी किया कि इसे महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। उसने जरूरत के हिसाब से कभी उसके पीछे ट्रॉली जोड़ दी तो कभी पानी का टैंकर, ये सब भी उसने खुद ही बनाया।